घोटाले में जेल गए अपने ही पार्टी का प्रधानमंत्री ऑनरेबल मेंबर्स समय जेल गए विंडिक्टिव के बारे में बताया जाता है. ऑनरेबल मेंबर्स आई ऑलरेडी इंडिकेटेड दैट देयर आर 16 परमिटेड स्पेशल मेंशंस फॉर टुडे एज ऑल द मेंबर्स कंसर्न्ड आर नॉट प्रेजेंट आई सजेस्ट दैट द स्पेशल मेंशंस ऑफ दोज ऑनरेबल मेंबर्स हु आर प्रेजेंट मे बी डीम्ड टू बी लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस. श्रीमती रमीला बेन बेचार भाई बारा मैम ब्रीफ कितना सर हाउ मच टाइम यू वांट यू आर ऑलवेज वेरी रीजनेबल खत्म ना होए तब तक ऑल राइट फाइव मिनट्स नो नो सर सबको 10-10 मिनट दिया है सर सभापति जी लेट द टेबल ऑफ द हाउस धन्यवाद इस ऐतिहासिक भवन में हमारे आदर्श नारी शक्ति का गौरव वन सेकेंड ओके माई स्पेशल मेंशन ऑन स्टेटहुड फॉर थैंक यू एनीवन एल्स माय पेपर रिगार्डिंग स्पेशल मेंशन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ तमिल फिशरमैन यू जस्ट ले मिस्टर यस सर मिस्टर थंबीदुरई यू नो रूल्स मोर देन एनीवन एल्स दैट्स ओवर आफ्टर यू लेट इट ओके फाइन एनीवन एल्स Special mention. Thank you, sir. Very gracious. Anyone else? Yeah. My special mention. Yes, you lay it on the table of the house. You make a mention. I will read, sir. As Mr. Tiruchi, lay it on the table of the house. I lay it on the table. You can make a statement. One line. Okay, thank you. Anyone else? Okay. Yes, ma'am. I swear, sir. I lay on the table. Okay, thank you. Anyone else? India Institute of Medical Sciences AIIMS in Raichur district Karnataka and the budgetary allocation to that thank you come on get up is also there sir you lay it on the table of the house sir at least I'll read the topic sir read it dhalpur sar mathura gesh parivartan evam gangapur city tak vruddhikaran main I lay on the table sir thank you anyone else ओके मैम द फ्लोर इज ओपन टू यू नाउ धन्यवाद माननीय सभापति जी इस ऐतिहासिक सदन में हमारे समाज के आदर्श नारी शक्ति का गौरव देश के यशस्वी राष्ट्रपति के अभिभाषण पे आभार दर्शन करने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ. माननीय सभापति जी आज़ादी का अमृत काल चल रहा है और हमारा देश माननीय मोदी जी का नेतृत्व में विकास की ओर चल पड़ा है. माननीय सभापति जी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से ये देश की धुरा संभाली है और उनके नेतृत्व में उनके विकास के मूल जो स्रोत है इमारत है स्तंभ है वो है किसान गरीब नारी शक्ति युवा शक्ति. माननीय सभापति जी उसमें हमारा ट्राइबल समुदाय भी सम्मिलित है. माननीय सभापति जी 2014 से लेकर आज तक हमारे मोदी जी ने हमारा ट्राइबल समुदाय के लिए जो करीब 12 करोड़ गुजरात से आसाम लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो 12 करोड़ हमारी आबादी है उन आबादी के लिए बहुत बहुत काम किया है. मैं आपके माध्यम से धन्यवाद भी करती हूँ. माननीय सभापति जी हमारे ट्राइबल के प्रति कितने लगाव रखते हैं वो तो 2014 से लेकर लगातार बढ़ता बजट उन्होंने 2014 में 24,000 करोड़ और आज 2023 में 1,20,000 करोड़ ट्राइबल समुदाय के विकास के लिए दिया है. माननीय सभापति जी 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन माननीय मोदी जी ने इस दिन को जन समुदाय के लिए गौरव दिन घोषित करके हमारे सारे ट्राइबल समुदाय का सम्मान बढ़ा दिया गौरव बढ़ा दिया.
माननीय सभापति जी, जलियावाला बाग में हत्याएं हुई, जलियावाला कांड हुआ, उनका इतिहास बना, लेकिन आजादी में हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए हमारे आदिवासी समुदाय ने कई बलिदाने दिए, लेकिन उनका इतिहास नहीं बना, इतिहास के पन्ने पे उनका नाम नहीं रखा गया। अफसोस की बात, लेकिन देश का नेतृत्व में मोदी जी सरकार बनी, मोदी जी ने ऐसे आदिवासी जिन लोगों ने आहुति दी थी, अपनी जान दे दी थी, लड़ाई में काम किया था, ऐसे सारे हिंदुस्तान के ट्राइबल के आत्माओं को चुन चुन करके सारे हिंदुस्तान में 10 फ्रीडम फाइटर मिजम ट्राइबल लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए मोदी जी ने आज बना दिया है। माननीय सभापति जी, उतना ही नहीं, आज मैं आपको गौरव से इस सभा में कहना चाहती हूँ, आज तेलंगाना में कानून संशोधन के लिए ट्राइबल सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है, मरक्का समक्का जो यूनिवर्सिटी बन रही है, वो भी हमारा आदिवासी समाज के लिए एक गौरव की बात है। माननीय सभापति जी, सीमा सटा गांव भारत का लास्ट गांव कहा जाता है, उसमें रहने वाले ज्यादातर अधिकतर हमारा आदिवासी समुदाय रहता है, वो बरसों से उनका कोई विकास नहीं हुआ था, उनकी पीड़ा थी, लेकिन मोदी जी का नेतृत्व में उन्होंने वाइब्रेंट विलेज विकास के जरिए आज देश का प्रथम विलेज बना दिया। उतना ही नहीं माननीय सभापति जी, देश की धुरा संभालते हुए मोदी जी ने समग्र हिंदुस्तान के ऐसे 110 जिले जो बिल्कुल अनडेवलप थे, विकास में पीछे छूट गए थे, मोदी जी कभी कभी कहता है कि शरीर का एक पार्ट जो कमजोर होता है तो शरीर सशक्त नहीं किया जाता, इसी तरह जो कोई भी एरिया अनडेवलप हो तो वो देश विकसित नहीं किया जाता, इसलिए उन्होंने सारे हिंदुस्तान के, सर शुरू हुआ है, नारी के बाद में भी बात करनी है। मैम, वी हैव टू बी गाइडेड बाय टाइम एंड योर स्पीच हैज बीन वेरी फोर्सफुल, कंक्लूड इन वन मिनट, इट हैज बीन वेरी फोर्सफुल, कंक्लूड इन वन मिनट। हाँ सर, वन मिनट। सर, उन्होंने आकक्षी जिला नाम देकर उनका विशेष जिम्मेदारी कलेक्टरों देके उनका विकास किया। माननीय सभापति, उनके ये काम के लिए इन्होंने प्रशंसा की, और उन्होंने किया कि ये जननायक, ये लोकनायक ऐसे हिंदुस्तान में है, इतना काम वो गरीबों के लिए काम कर रहे, प्रशंसा की। थैंक यू। माननीय सभापति जी, महिलाओं के लिए भी बहुत उन्होंने काम किया, आज उनकी कृपा थी, कृपा से महिलाएं अब देखते हैं जल थल नव अंतरिक्ष में काम कर रही है। आप गुजरात जाइए, आज जो डेयरी के मूल में जो सुमूल है, साबर डेयरी है, और उसमें भी। और अंत में मैं सभापति जी इतना ही कहूंगी, मोदी जी को नारी जगत आजीवन याद करेगी, उनका नाम सदा अमर रहेगा, क्योंकि गर्भ में रहली बेटी को बचाने का उन्होंने काम किया, बेटी को जन्म के बाद उनके शिक्षा के लिए काम किया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन छेड़ा, इसलिए आने वाली पीढ़ी के लिए मोदी जी श्री रामदास अठावले।